गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। शिप्रा पाठक की पदयात्रा गोमती नदी संरक्षण पदयात्रा जल संकल्प के साथ हुआ संपन्न। गोमती नदी के उद्गम स्थल पीलीभीत से पैदल चलकर खरौना स्थित गंगा गोमती संगम स्थल तक नदी किनारों की पदयात्रा करने वाली शिप्रा पाठक ने संगम पहुंचकर अपनी संकल्प यात्रा पूरी की। गोमती नदी के उद्गम स्थल पीलीभीत के माधोटांडा स्थित गोमताल से शुरू हुआ गोमती के किनारे किनारे एक महीने तक निरंतर 1001 किमी की पदयात्रा संगम पर गोमती जल संकल्प के साथ पूर्ण हुआ। पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक ने 1 मार्च को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से विधिवत गोमती के पवित्र जल के गोमत दंड को लेकर शिप्रा पाठक का पदयात्रा प्रारंभ किया था। इस दौरान गोमती किनारे बसे गांवों, मठ, मंदिरों, देवालयों, शिवालयों में लोगों को गोमती की अविरलता, स्वच्छता, निर्मलता एवं किनारों पर पौधरोपण के लिए जागरूक किया गया। शिप्रा ने कहा कि जल संचयन के लिए नदियों का निर्मलता एवं अविरलता जरूरी है, जिससे हमारी भावी पीढ़ी भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके। गोमती किनारों पर उपेक्षित पड़े अनगिनत पौराणिक मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार से गोमती का संरक्षण बढ़ेगा। गोमती को कटान से बचाने के लिए किनारों पर चातुर्मास में 1 करोड़ पौधरोपण का अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों से गोमती की स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता में सहयोग देने के लिए अपील किया जा रहा है। सर्व समाज को गंगा की सहायक नदियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। गंगा गोमती संगम तट पर पत्रकार विंदेश्वरी सिंह ने उन्हें गोमती नदी के पौराणिक इतिहास एवं संगम के महात्म्य का वर्णन सुनाया। संगम तक आपको गंगा जी में कहां कहां ऐसा दिखा कि जहां पे गंगा जी की जल धाराएं या तो सिकुड़ चुकी हैं, या तो प्रदूषित हो चुकी हैं, या तो नाम मात्र की रह चुकी हैं। मैंने जीवन को सदैव ऐसा देखा है कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, मैं उसको खाली नहीं देखती। तो अगर मैं कोई नकारात्मक पक्ष रखूंगी तो सकारात्मक पहलू के साथ ही आपसे साझा करूंगी। अगर हम पीलीभीत से लखीमपुर तक की बात करें तो वहां पर सर्वाधिक कब्जा किया गया है गोमती जी के दोनों किनारों पर। लेकिन सकारात्मक पहलू ये है कि वहीं पर उसी भाग में सर्वाधिक गोमती भक्त हैं, जो इतनी आशा से किसी ऐसी व्यक्तित्व की तरफ निहार रहे हैं कि कोई आए तो वो उसके पीछे खड़े हो जाएं और माँ गोमती की सेवा करें। तो सबसे पहले जो कब्जा किया हुआ है गोमती के किनारों पर, मुझे लगता है वो मुक्त होने चाहिए। और उसकी पहल पर जन समुदाय निवेदन कर सकता है, पर वो कार्य तो अधिकारी के स्तर से ही हो पाएगा। गोमती के किनारे किनारे आपके इस पदयात्रा में आपको और कितने रमणीय या दर्शनीय या पौराणिक स्थलों का दर्शन हुआ, जिसे लगा कि नहीं हमारी आदि गंगा गोमती का पौराणिक काल से ही एक महात्म्य रहा है? बड़ा विशेष कारण था कि मैंने गोमती जी की पदयात्रा को चुना। मुझे लगा कि गंगा जी को हम बहुत विकास दे चुके हैं, विस्तार दे चुके हैं, जन जन तक भारत की प्रमुख नदी गंगा का महत्व पहुंच गया है, लेकिन समकालीन जो सहयोगी नदियां हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, और वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी गंगा जी। ये सोचकर मैंने गोमती जी की पदयात्रा आरंभ की, और मैं बहुत स्तब्ध थी ये देखकर कि गोमती के किनारों पर ऐसे देवालय, ऐसे शिवालय, ऐसे तीर्थ हैं जिन्हें अभी बहुत नाम नहीं मिल पाया है, लेकिन उनकी भी सिद्धता पर कहीं कोई आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। तो आपका ये अंतिम चरण पूरा हुआ, तो क्या आप सरकार से इसे गोमती को स्वच्छ रखने के लिए, अविरल रखने के लिए सरकार से अत्यधिक मांग की उम्मीद है, या आप जनता से या इसके किनारे बसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से, आपको किससे उम्मीद है कि गोमती की निर्मलता बनी रहे? मैं आशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करती हूँ। अगर मैं सरकार से कर रही होती, धर्म समाज से आशा कर रही होती, तो घर बैठ के प्रतिलिपियाँ लिख लिख कर मैं उन्हें भेज रही होती, प्रोजेक्ट लेके मैं मंत्रालयों के चक्कर काट रही होती। मुझे लगता है पहली आशा व्यक्ति को स्वयं से करते हुए स्वयं की आशा पूर्ण करनी चाहिए। तो फिलहाल तो जो इस गोमती पदयात्रा में पंचतत्व संस्था से लोग जुड़े हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें एकत्रित करेंगे, एक धरातल पे लेके आएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से आपको किससे उम्मीद है कि गोमती की निर्मलता बनी रहे? मैं आशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करती हूँ। अगर मैं सरकार से कर रही होती, धर्म समाज से आशा कर रही होती, तो घर बैठ के प्रतिलिपियाँ लिख लिख कर मैं उन्हें भेज रही होती, प्रोजेक्ट लेके मैं मंत्रालयों के चक्कर काट रही होती। मुझे लगता है पहली आशा व्यक्ति को स्वयं से करते हुए स्वयं की आशा पूर्ण करनी चाहिए।
तो फिलहाल तो जो इस गोमती पद यात्रा में पंचतत्व संस्था से लोग जुड़े हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें एकत्रित करेंगे, एक धरातल पे लेके आएंगे, एक कार्य योजना बनाएंगे। उस कार्य योजना में अधिकारियों की, सरकार की, जहां जहां आवश्यकता होगी उनसे अवश्य निवेदन किया जाएगा। यदि आपको आदि गंगा गोमती को अगर एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो तो आप क्या कह सकती हैं वर्तमान स्वरूप में? मुझे लगता है अगर आप आध्यात्मिक उत्तर इसका चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि जिस तट पर आकर इंद्रियां और बुद्धि एकाकार हो जाती है उसे गोमती कहते हैं। वो अर्थात इच्छाएं और मति अर्थात बुद्धि। तो जिस तट पे आकर आपकी इच्छा और मति एक हो जाए, विचार और भाव एकाकार हो जाए, उस तट को मैं गोमती कहती हूँ। नर्मदे हर। इस वर्ष पंचतत्व संस्था ने 1 मार्च से माधोटाडा पीलीभीत से बनारस तक 960 किलोमीटर की एक पदयात्रा आरंभ की। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मेरी सारी पदयात्राएं जो इससे पूर्व भी हुई हैं नर्मदा जी, शिप्रा जी और सरयू जी की, उनका ध्येय है मैया के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण। 1 करोड़ वृक्ष संकल्प जो पंचतत्व संस्था ने लिया है, उसी श्रृंखला में इस बार हमने माँ गोमती की आराधना की है और परिक्रमा आज पूरी हो रही है यहाँ पर। उसके बाद इस मानसून में, इस चातुर्मास में हम माँ गोमती के दोनों किनारों पर पौधा लगाने की एक कार्ययोजना बनाएंगे। कितने दिनों की यात्रा रही है आपकी? हमने 1 मार्च से प्रारंभ की थी तो बीच में होली में 4 से 5 दिन का हमने विश्राम लिया, तो अगर चलने वाले दिनों की संख्या देखेंगे तो करीब करीब हम 31 दिन चलकर 1001 किलोमीटर के साथ यहाँ पहुँचे हैं और आज ये यात्रा पूर्ण हो रही है। तो गोमत ताल से चल करके गंगा गोमती संगम तक पहुँचने की इस यात्रा में गोमती के किनारों पे आपको क्या दिखा? मुझे लगता है लगभग भारत की सभी नदियों की दशा एक सी हो गई है, क्योंकि उसके किनारे जो पलने वाले लोग हैं उनकी मनोदशाएँ बदल गई। हम अब थोड़े से और दूषित हो गए हैं, परंपराओं से दूर हट गए हैं, मर्यादाएं छोड़ बैठे हैं, सुविधा और संसाधनों को और अधिक मान्यताएं देने लगे हैं। तो उस कारण जो नदियों के किनारे हैं वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको एक भी वृक्ष के नाम पर कुछ भी उस टीले पर नहीं देखना है। यही अगर आप 20 साल पहले की कोई तस्वीर देखेंगे, कोई चित्र देखेंगे, तो शायद सघन वन इन सारे किनारों पर हुआ करता होगा। तो परिकल्पना वही रखी है जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें दी थी कि हरे भरे मैया के किनारे हैं। आपको क्या लगता है कि अविरल गोमती को बहने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि इनकी अविरलता बनी रहे? कोई भी यज्ञ तभी संपन्न होता है जब उसमें संपूर्ण सामग्री की प्रति आहुति लगे। इसमें अधिकारी वर्ग, राजनेता, धर्मगुरु और सबसे पहले जन समुदाय जुड़े। सरकार का कार्य होता है वो कार्य योजना बना के कहीं ना कहीं उसको पारित कर सकती है, लेकिन उन योजनाओं पर कार्य करने का कार्य तो हम सबका ही है। तो एक श्रेष्ठ नागरिक की तरह जब तक हम जागरूक होकर नदियों का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक बहुत क्रांतिकारी बदलाव हमें नहीं दिखेगा। आदि गंगा गोमती के उद्भव से लेके उनके संगम तक